हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि बचे हुए रोटियों से वेज ऑमलेट कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है, बच्चों को भी काफी पसंद आता है और ये मेरा फेवरेट डिश है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। देखिए, ये कुछ रोटी बचा हुआ है, इससे आप कैसे वेज ऑमलेट बनाइए ये मैं आपको दिखा रही हूँ। एक बाउल में आप 3 से 4 चम्मच बेसन ले लीजिए। हमारे पास 3 रोटी था तो मैंने 3 चम्मच बेसन लिया है। उसके बाद इसमें आप पानी डाल के इसे मिक्स कर लीजिए। एक साथ आप ज़्यादा पानी नहीं डालिए, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके इसमें आप पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं इसे आप पतला नहीं कीजिए। उसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल लीजिए और थोड़ा सा टमाटर। उसके बाद हरा मिर्च, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरा मिर्च नहीं डालिए। उसके बाद 1 पिंच हल्दी और स्वादानुसार नमक डालिए। यहाँ पे मैंने अजवाइन लिया है, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन डाल लीजिए। उसके बाद कटा हुआ धनिया डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए, ये थोड़ा थिक हो गया है तो अब हम इसमें थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं ऐसा ही बैटर रखें। अब हम गैस को ऑन करेंगे और एक तवा को चढ़ाएंगे उस पे। तवा गर्म होने के बाद इस पे हम रोटी डालेंगे और दोनों तरफ से 2 सेकंड के लिए इसे अच्छे से सेक लेंगे। उसके बाद इस पे बैटर को अच्छे से फैला लीजिए। तो देखिए, कुछ इस तरह से फैला लीजिए आप बैटर को। उसके बाद इस पे हम चाट मसाला डालेंगे। इसे डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। देन उसके बाद यहाँ पे हम 2 से 3 बूंद ऑयल डालकर इसे अच्छे से सेक लेंगे। अब हम इसे ढककर 1 से 1.5 मिनट तक बेसन को पका लेंगे। देखिए, 1 से 1.5 मिनट बाद ये कुछ बेसन आप देख सकते हैं पक गया है। उसके बाद इसे पलट ले और इसे भी आप 1 से 1.5 मिनट तक पकने दें। सो देखिए, ये पक के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये लुक में कितना अच्छा है और खाने में उतना ही अच्छा है। सो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे अब हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। सेम उसी प्रोसेस से आप सारे रोटियों को बना लीजिए। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने एक बार खाया तो मैं हमेशा अब बनाती हूँ। तो देखिए, दूसरा भी हमारा बनके तैयार हो गया है। तो आप देख रहे हैं ये कितना अच्छा और कितनी जल्दी बनके तैयार हो गया है। इसे आप टोमेटो सॉस के साथ भी खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे आप जरूर ट्राई कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे और भी वीडियोस को देखने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। थैंक यू।